देखिए आपको बालों की शेड नजर आ रही है ना, सेम ऐसा ही कलर आएगा और ये सिर्फ ओलिविया का कमाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के साथ ओलिविया हेयर कलर वाली वीडियो जो है वो शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान, कम पैसों में बिल्कुल घर पर रह के कैसे आप अपने बालों को खूबसूरत कलर शेड जो है वो दे सकते हैं। सलोन में जाने का किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। वो मेरी बहनें जिनकी शादियां हैं वो भी हाजिरी लगवाएं जल्दी जल्दी से। आज करते हैं ओलिविया हेयर कलर का रिव्यू। अच्छा जी, मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी वीडियो जो है शेयर की है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप ही जान हमें बता दें आप जैसा कलर हमने अपने बालों को करना है तो हम कैसे करें, कौन सा ट्रीटमेंट करें अपने बालों के साथ कि आप जैसा कलर हो। काफ़ी दफ़ा हमने कलर लगाया लेकिन ऐसा कलर नहीं आया। तो वीडियो को आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आज मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर रिव्यू शेयर करूंगी। असल में मुझे अपने बालों पे भी लगाना था तो मैंने सोचा आज आपके साथ भी थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पर एक बाउल। मैंने आपको पहले भी बड़ी दफ़ा बताया, जो फर्स्ट टाइम यूज़ करता है उसके ऊपर हर बालों का अपना अपना हिसाब है, किसी के ऊपर कलर आ जाता है, किसी के ऊपर कलर नहीं आता। अच्छा, मैं जैसे कि मुझे थोड़ा थोड़ा सा हाईलाइट चाहिए तो मैं ये वाले जो 30 वॉल्यूम है 7 क्यूने का ये यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो आपने भी अगर आपको हाईलाइट्स थोड़े से चाहिए तो फिर आपने यूज़ करना है, अदरवाइज आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम अपने बालों का हेयर कलर करते हैं, जो कि देखने में इतना खूबसूरत कलर लगता है ना, दिल करता है बस देखते ही जाए। एश, ब्लंड, गोल्डन, ऐसा थोड़ा थोड़ा सा कलर है, मिक्स कलर आता है और आप सब जानते हैं इतना सस्ता ये कलर है, इतना सस्ता कलर है, क्यों हम महंगे कलरों पे पैसे ज़ाया करें, क्यों ना हम यही कलर लें और अपने बालों को लगाएं और बालों पे एक खूबसूरत सी अपने आप को पर्सनैलिटी अपनी लेकर आएँ। और इतना खूबसूरत कलर लगता है, जो सा मर्जी आप ड्रेस पहन लेकर आपके बाल खूबसूरत है ना, यकीन करें आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लग जाते हैं। चलिए जी, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और मैं करती हूँ मिक्स इसको। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा कलर शेयर किया है और आज ये थोड़ा सा 7 नंबर का रिव्यू शेयर करते हैं। मैंने पहले भी अपने बालों पे लगाया ये करके, ये जितने भी ये गोल्डन टच वाले कलर है ना, ये सेम अपने बालों को ऐसे ही लुक देंगे जैसे कि मेरे बालों पर। अच्छा जी, इनको लगा लेते हैं, बड़ा खूबसूरत बड़ा प्यारा कलर, क्योंकि मैंने अपने बालों को लगाना था तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ साथ शेयर भी कर देती हूँ, जो कि बड़ा खूबसूरत कलर आएगा। चलें जी, मैंने अपने तकरीबन कह लें कि बालों को लगाना ही है तो मैंने इतनी सी ट्यूब ली है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ लाइव आप लोगों को दिखाती भी हूँ कि मैंने कैसे अपने बालों पर लगाए। इसके बाद ये 12 नंबर है, देख लिया आप, पहले भी मैं ये यूज़ करती हूँ। सारे कलर मैंने आप लोगों के सामने यूज़ किए हुए हैं, फिर ही मैं आप लोगों को रिव्यू देती हूँ, ठीक है। ये देखिए खुला हुआ है, खुला हुआ जब होगा तो इसका कलर ऐसा ही ब्लैक आएगा। मैं आप लोगों के सामने लगाती भी हूँ, सॉरी थोड़ा सा उस साइड चला गया। अच्छा जी, मैं इसकी न्यू पैकिंग नहीं खोलती क्योंकि मुझे इतना ही चाहिए, इसको मैंने डाल लिया। ये देखिए जी, मैंने इसको इस तरह खाली कर दिया, पूरा मुकम्मल टोटल इसको खाली कर दिया ऐसे डाल के, क्योंकि भाई ये बड़ी मुश्किल से मंगवाती हूँ पाकिस्तान से, तो इसलिए पहला ख़त्म हो तो फिर मैं दूसरा स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर 6 नंबर ऐड करेंगे, आप सब जानते हैं कि वो मैंने थोड़ा ही ऐड करना है क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक आ जाता है, इसलिए फिर मुझे थोड़ा सा 6 नंबर कलर ऐड करना है इसके अंदर। चलें जी, कलर मैंने मिक्स कर लिया, अब इसी का ही वॉल्यूम है जो वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें मैं हाफ लूँगी क्योंकि कलर भी ज़्यादा है ना थोड़ा सा, तो मैंने इसमें से थोड़ा सा हाफ लिया, या हाफ से थोड़ा सा कम, मीन एक हिस्सा डाल लें। इसके बाद थोड़ा सा मैं ये ऐड करूँगी 30 वाली हम क्यूने का। बस काफ़ी है, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से काम कर रही हूँ, फिर आप कहते हैं आप ही वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट डाला करें। तो यहाँ से इसको मिक्स करते हैं, मिक्स करके अपने बालों पे लगाना स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लगाती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मैंने भी सेम यही कलर लगाया और मेरे बालों पे सेम यही कलर ही आता है और काफ़ी टाइम से मैं यही कलर लगा रही हूँ। मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये कम है, मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा और ऐड कर लेती हूँ। अच्छा,
चलें जी। अच्छा मुझे अंदाजा है तो आप ना इसके ये जो डार्ट्स बने हुए हैं ना, ये लाइनें जो लगी हुई हैं, इससे देख के डालिएगा, ठीक है। चलो इसको मिक्स कर लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है मेरे बालों पे पहले भी लगा हुआ है कलर, लेकिन मुझे बस इतना ही कलर चाहिए था जो कि बस जो वाइट बाल निकले हुए हैं फ्रंट से या कुछ दरमियान से भी वाइट वाइट बाल हैं तो वो कवर हो जाए। तो चलें जी इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब कोई सा भी आपने पॉन्ड्स लोशन ले लें, कोई सा भी, मैं तो वही लगाती हूँ, लगा के आपने माथे पे आपने लगा लेने ताकि कोई सा भी कलर आपको लगना जाए। चलें जी अब मैं करती हूँ स्टार्ट अपने बालों का कलर। अच्छा जी यहाँ से फ्रंट से मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है, आपको नजर आ रहे होंगे मेरे थोड़े थोड़े से वाइट बाल आगे आगे से निकले हुए हैं, तो यहाँ से मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया। अगर तो आपको लगता है कि आपको ज्यादा जरूरत है तो आपने फिर ज्यादा कलर मिक्स कर लेना है और अपने बालों को ऐसे ही लगाते जाना जैसे मैं लगाती जा रही हूँ, ठीक है। इधर थोड़ी सी लाइट कम है लेकिन ये है कि आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा मुझे लगता है कि मैंने फ्रंट पे लगाना है तो मुझे लगता है मुझे हाथों की मदद से लगाना पड़ेगा क्योंकि जल्दी जल्दी में थोड़ा सा कलर लग जाएगा और फिर वीडियो भी जो है कलर लगा के फिर आपसे बात करती हूँ। बस ऐसे आपने हाथों की मदद से ग्लव्स पहन के अच्छे से आपने मिक्स करते जाना है। मिक्स करने के साथ साथ आपने अपने बालों को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। मुझे लग रहा था कि फ्रंट से जहां जहां से मेरे व्हाइट बाल है मैंने अच्छे से कलर लगा लिया। अब मैं इसको बैक साइड से थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करती जाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा अगर बैक साइड पे कलर लगाएंगे ना तो वो ऐसा आता जाएगा जैसे एश ब्लंड कलर है ना, जैसे गोल्डन कलर की तरफ आपको पीछे से नजर। इधर लाइट सही नहीं है ना इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा कलर, ये देख लें जरा। और यकीन करें मैं सिर्फ ओलिविया हेयर कलर लगाती हूँ, इसके अलावा मैंने कभी आज तक कोई कलर नहीं लगाया। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि ये जो यहाँ के कोई कलर है ना, क्योंकि यहाँ से इतना ये ओलिविया जो कलर है ना ये मिलता नहीं है, तो मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा ना यहाँ का कोई कलर है वो भी देखना चाहिए इसके साथ मिलता जुलता। चलें जी अभी मैंने कलर लगा लिया पूरा, अपने बालों को कलर लगा लिया। यहाँ पे मैं इसको करूंगी फोल्ड अच्छा सा जुड़ा सा करके। आपने कोई भी आपने वो ले लेना है, ये देखिए आपको बालों की शेड नजर आ रही है ना, सेम ऐसा ही कलर आएगा गोल्डन। यहाँ पे थोड़ी सी लाइट कम है ना इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा अच्छे से, तो यही वाला कलर आएगा गोल्डन गोल्डन सा कलर, बड़ा प्यारा, ओवर कलर बिल्कुल भी नहीं लगता, बड़ा प्यारा सा कलर आता है। तो आप भी प्लीज ओलिविया हेयर कलर को जरूर ट्राई करें, बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा कलर आता है। तो इंशाल्लाह मुझे दीजिएगा इजाजत, तो ये मैं आपको कलर जो है मुझे आप कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसका कलर रिजल्ट क्या आया। तो मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसका कलर कैसा है। इसको किसी भी शॉपर बैग के ऊपर या किसी भी कैप के साथ इसको कवर कर लेते हैं। और ये जो बैक साइड पर कलर है, ऐसा कलर लाने के लिए इसको 25 से 30 मिनट देंगे फिर चेक करेंगे, ठीक है। मैंने बैक साइड पे बिल्कुल नहीं लगाया, सिर्फ फ्रंट पे लगाया है। ये देख लें ऐसा कलर आएगा, ऐसा कलर आएगा मेरे बालों पे। और ये सिर्फ ओलिविया का कमाल है, सेम ऐसा ही कलर आएगा ओलिविया हेयर कलर से। तो जो चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि इसका कैसा रिजल्ट आया ओलिविया हेयर कलर से। तो तब तक आपने वीडियो को देखते रहना है और अच्छे अच्छे कमेंट करना है। मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट वीडियो में मेरा ओलिविया हेयर कलर से कैसा कलर आया, एग्जैक्ट ऐसा कलर आएगा जैसा बैक वालों पे बैक साइड पे कलर है वैसे ही यहां से भी कलर आएगा। अल्लाह हाफिज़।